दोस्तों, नार्जो 70 प्रो इज इन द हाउस। और एक बात कहूं, हमेशा हम कहते हैं कि 15-20 हजार की प्राइस रेंज में अच्छे कैमरा फोन्स नहीं है। और याद रखिए, दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि नार्जो फोन जनरली परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, बट अगर मैं इस फोन का हाईलाइट कहूँ तो वो कैमरा है। आई मीन इट इज गॉट अ वेरी वेरी गुड कैमरा सेटअप अंडर 20,000 रिलेटिवली बात कर रहा हूँ। एंड बाकी के चीजों के बारे में बात करूँ वो भी अच्छी है, कुछ कुछ चीजें ठीक ठाक है। सब कुछ बताने वाला हूँ आज के वीडियो में, बट आई विल टेल यू व्हाट, दिस इज वन फोन यू शुड लुक एट अंडर 20,000 में। अगर आप देख रहे हो तो सीरियसली पता चल जाएगा क्यों कह रहा हूँ। ये पूरा देखिए, वीडियो एंड तक देखिए। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है, कुछ फायदा होता है, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। लेट्स ओपन। थोड़ा अलग बॉक्स है, जनरली येलो, रेड, व्हाइट बॉक्सेस होते हैं, ब्लू है ये। जी हाँ, 70 प्रो लिखा हुआ है, 70 बड़ा लिखा हुआ है, ऑब्वियसली 60 प्रो का ये सक्सेसर है। लेट्स ओपन। सबसे पहले QR कोड दिख रहा है मुझे। एंड व्हाट एल्स इज देयर, डॉक्यूमेंटेशन एंड केस होगी। ओके, ये डिज़ाइन आजकल बहुत दिख रहा है, बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है, नॉट बैड क्वालिटी अच्छी है। सिम कार्ड टूल, सम डॉक्यूमेंटेशन एंड देन द फोन। फोन का फर्स्ट फील स्टर्डी। ओके, बताने वाला हूं। बड़ा सा ब्रिक आता है दोस्तों। दिस इज 67 वॉट सुपर वूक चार्जर। अगेन अंडर 20,000, आई थिंक 67 वॉट इज वेरी वेरी गुड। एंड USB Type-A to Type-C चार्जिंग केबल। दैट्स अबाउट इट इन द बॉक्स। चलिए रखते हैं ये सब कुछ साइड में। लेट्स लुक एट द फोन। ऑलराइट, ओके, वो अगेन यूनिक डिफरेंट डिजाइन। मतलब Realme ना हमेशा कोशिश करते रहता है कुछ ना कुछ अलग देने की दोस्तों। एंड दिस इज नॉट बैड। आई मीन लुक एट दिस, ऊपर जो है शाइनी है, नीचे मैं कहूँगा सैटिन फिनिश है। एंड दिस इज ग्लास बैक, लुक्स नाइस। नीचे नार्जो की ब्रांडिंग है, ये देखिए। वैसे इसमें दो कलर्स हैं दोस्तों, ग्लास ग्रीन एंड ग्लास गोल्ड, ये दो कलर्स आते हैं। जी हाँ, पीछे और आगे ग्लास होने की वजह से शायद स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड है ये। 205 ग्राम्स, 199.6, ओके, 200 ग्राम है। स्क्रीन गार्ड आता है क्या, देखते हैं। आता है, निकालते हैं। आई नीड दैट वॉइस, यस यस यस, वाओ। मतलब एक्चुअली 197 ग्राम्स होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर स्क्रीन गार्ड का 2 ग्राम लेंगे, 198 इवन। जी हाँ, दैट इज व्हाट इट इज। प्रोटेक्शन के बारे में पता नहीं है, लेकिन हम तो गिराने वाले हैं। लेट्स डू दैट, 1 2 एंड बूम। ओके, नहीं, पीछे से ग्लास है तो गिराना तो है ही। 1 2 एंड और भी कुछ गिरा, मैम चश्मा भी गिर गया दोस्तों, इतने जोर से गिराते हैं हम। जी हाँ, बट ये वुड है, सो ये दिखाने के लिए आपको कि भाई हाँ नहीं है, बट दिस इज नॉट रियल ड्रॉप टेस्ट। ये आपको पसंद आता है इसीलिए करते हैं। बट एक बात कहूँ, ऊपर की तरफ दोस्तों बहुत सारे स्मजेस वगैरह आते हैं, तो केस डाल के डेफिनेटली देखिएगा। अब मैंने कैमरा के बारे में आपको बताया, इसलिए कैमरा के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स देख लेते हैं। नीचे की तरफ स्पीकर गिल है, USB Type-C है, माइक्रोफोन है, सिम कार्ड ट्रे है नीचे। ऊपर UAC 3.5mm जैक, वेरी नाइस। इधर स्पीकर ग्रिल भी है एंड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी है। एंड राइट हैंड साइड में ऊपर वॉल्यूम रॉकर है एंड पावर ऑन ऑफ बटन है। नहीं, ये FPS नहीं है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। चलिए दोस्तों, आज डिस्प्ले के बारे में नहीं, आज कैमरा के बारे में बात करते हैं। अब मैं ये नार्जो 60 के साथ, इसका जो प्रीडेसेसर है उसके साथ कंपेयर करूं तो उसमें अल्ट्रा वाइड निकाल दिया था दोस्तों। जी हाँ, 100 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ऐसे कुछ कैमरा सेटअप था, बट अब प्रॉपर फंक्शनल कैमरा सेटअप दिया है। वो भी जो प्राइमरी सेंसर है वो सोनी का IMX890 सेंसर है विथ OIS। सेकेंडरी सेंसर जो है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर आता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। आगे की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। एंड जैसे मैंने कहा, OIS है दोस्तों, एंड दैट इज गुड, 4K को सपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूं कि 20,000 के नीचे कौन सा अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन है, यू डोंट हैव टू मेनी ऑप्शंस। एंड आई थिंक वो जो गैप है ना, वो ये फिल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारे फोटोज वगैरह इसके साथ निकाले। G Drive की लिंक दे रहा हूँ, अलग अलग कंडीशंस में निकाले हुए। अगर आपका बजट टाइट है और आपको अगर कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, दिस इज नाइस। आप 4K 30 FPS प्राइमरी सेंसर से निकाल पाओगे, अल्ट्रा वाइड एंड आगे का जो सेल्फी सेंसर है 1080p at 30 FPS। ओवरऑल दोस्तों यू नो आई रियली लाइक द कैमरा। इवन अगर मैं कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूँ, आपको सभी फीचर्स वगैरह मिलते हैं। नाइट मोड है, स्ट्रीट फोटोग्राफी मोड वगैरह आता है इसके अंदर, पोर्ट्रेट मोड है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, पैनो, हाई रेजोल्यूशन मोड, डुअल व्यू मोड मतलब आगे और पीछे के कैमराज एक ही टाइम इस्तेमाल कर पाओगे, मैक्रो मोड है, सो ऑल दैट इज देयर। ऑटो जूम भी फीचर आता है, इसका मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर टैप कीजिए, यू नो दैट विल कम इन फोकस एंड थोड़ा जूम हो जाएगा, सो दैट इज देयर, मेकिंग इट सिंपलर फॉर यू बेसिकली। वैसे जैसे मैंने कहा दोस्तों, आप वो जो फोटोज़ है ना ज़रूर जाके देखिए, पूरा वीडियो देखिए पहले, बट फोटोज़ की लिंक दे रहा हूँ, जी ड्राइव लिंक, ज़रूर जाके देखिएगा एंड यू टेल मी आपको इसके फोटोज़ कैसे लगे। ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है, इवन लो लाइट में यू नो अच्छे निकलते हैं, स्पेशली क्योंकि IMX890 है एंड OIS भी आता है। ऑलराइट, अब डिस्प्ले की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लुक एट दिस डिस्प्ले, वेरी नाइस। 6.67 इंच का FHD+ 120Hz एमोलेड डिस्प्ले आता है। पीक ब्राइटनेस के बारे में बात करूं, 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। HDR10 का भी सपोर्ट आता है। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, साइड के ऊपर के बेजल जो है दोस्तों, दे आर यू नो स्मॉलर देन एवरेज, चिन एवरेज साइज की है, ओवरऑल लुक्स नाइस एंड सेंटर पंच होल है दोस्तों। आजकल सभी जो फोन्स है, स्पेशली जो मिड रेंज के फोन्स है, सेंटर पंच होल है एंड आई लाइक इट, यू नो सिमेट्रिकल अच्छे दिखते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। अब दोस्तों एक बात कहूँ, नार्जो अगर मैं बात करूँ, पहले जो लीगेसी है वो परफॉर्मेंस बेस्ड फोन्स होते हैं, अब इसमें परफॉर्मेंस के साथ में कैमरा भी आ गया, तो मैं कहूँगा ये एक ऑलराउंडर फ़ोन है। तो स्पेक्स के लिए यहाँ आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर मिलता है, जिसका अंततः स्कोर 6 लाख 10 हज़ार के करीब है, 6 लाख 10 हज़ार के करीब है, विच इज़ वेरी डिसेंट, अगेन अंडर 20,000 प्राइस रेंज। 8GB रैम, 128GB बेस वेरियंट है एंड 8256 ऊपर वाला वेरियंट है। LPDDR4X RAM टाइप आती है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है, which is again good, again 15-18 हज़ार की प्राइस रेंज में आप UFS 2.2 बहुत सारे फोन्स में देखते हो। और ये जो है इट ऑल्सो ट्रांसलेट्स इनटू रियल वर्ल्ड गेमिंग वगैरह, जब आप गेमिंग कर रहे हो, कुछ हैवी टास्क वगैरह कर रहे हो, यू विल फील दैट। क्यों? क्योंकि आप हाईएस्ट सेटिंग्स पे खेल पाओगे गेम्स, बट एट 40 FPS, COD मोबाइल 90 FPS में वगैरह खेल पाओगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में मैं कहूँगा इस प्राइस रेंज में एट पार या फिर स्लाइटली अबव पार भी कहूँगा। अगर बैटरी के बारे में बात करूँ, 5000 mAh की बैटरी है, 67 वाट चार्जिंग है एंड 6nm प्रोसेसर है, तो नॉर्मल अगर मॉडरेट यूसेज वगैरह करोगे 5000 की बैटरी आपको एक दिन से ज़्यादा जाएगी। हैवी यूसेज में भी दिन भर आपको आराम से बैटरी जाएगी, तो चलिए निकल भी गई तो भी 67 वाट फास्ट चार्जिंग है, सो दैट इज़ गुड। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट OS, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, OS के बारे में, रियलमी के फ़ोन्स के बारे में मैंने पिछले 1-2 साल में बहुत सारी चीज़ें कही हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, बट एक बात कहूँ दोस्तों, रियलमी इज़ ट्राइविंग टू इम्प्रूव। ये मैं डेफिनेटली, मुझे मतलब पिछले 1-1.5 साल से जो मैं देख रहा हूँ, रियलमी कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे उनके जो ब्लोटवेयर्स हैं वो कम हो, जो डार्क पैटर्न्स है वो कम हो, ये सब चीज़ें जिनके बारे में मैंने बात की थी वो अब इम्प्रूव हो रही है। एंड प्रॉबली अभी तक मैंने जो भी रियलमी UI देखा हुआ है, दिस इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट, मतलब बहुत कम ब्लोटवेयर इसके अंदर है। आई थिंक मेरे हिसाब से 2 या 3 हैं, स्पॉटिफाई वगैरह है, शायद नेटफ्लिक्स है। स्टार्ट में ग्लांस आता है जब आप सेटअप कर रहे हो, ऑन होता है, वो ऑफ कर पाओगे, थोड़े बहुत डार्क पैटर्न्स है, बट इट इज़ सो मच इम्प्रूव्ड देन प्रीवियस जनरेशन। रियलमी UI 5.0 आता है, विच इज़ बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14। 2 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलते हैं, मतलब एंड्रॉइड 15 एंड 16 आपको मिलने वाला है। और इंटेलिजेंट सर्विसेज वगैरह जो पहले बाय डिफॉल्ट ऑन हुआ करता है, जिसके बारे में बहुत बात हुई, वो बंद है दोस्तों। सो या रियलमी गुड वर्क ऑन दैट। और दोस्तों 1-2 फीचर्स भी ऐड किए हुए हैं, स्मार्ट ब्राइटनेस फीचर आ गया, मतलब आपके हिसाब से जो भी आप कर रहे हो फ़ोन के ऊपर, उस हिसाब से वो एडजस्ट करेगा। इट विल बेसिकली लर्न आप क्या करते हो और उस हिसाब से जो ब्राइटनेस कम ज़्यादा करेगा वो करेगा। एंड देन एयर जेस्चर्स के फीचर आ गए, शायद मेरे हिसाब से GT में हमने देखे हुए थे वो फीचर्स, जहाँ पर यू कैन कंट्रोल विद जेस्चर्स। जी हाँ, स्क्रोल कर रहे हो, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ऐसे कीजिए, टच करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू दिस एयर जेस्टर्स। चलिए दोस्तों, अब मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। एक्सलेंट डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस ट्यून, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं विच आर लाउड, क्वालिटी अच्छी है, आपको नॉर्मल देखने में बहुत मजा आने वाला है। आई मीन इट इज़ क्वाइट गुड। बड़ी बैटरी है, बिंज वॉच भी आप कर रहे हो, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। लेकिन एक चीज़ हमने नोटिस की जो अपडेट से शायद ठीक हो सकती है, क्योंकि डिस्प्ले में HDR का सपोर्ट है, तो HDR YouTube हम प्ले कर रहे थे तो हमें स्टटर थोड़े बहुत दिखे। आई थिंक विद अपडेट्स दैट विल इंप्रूव, बट दैट इज देयर, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू। और हाँ, नेटफ्लिक्स में अभी HDR का सपोर्ट नहीं है, बट डिस्प्ले वगैरह अच्छा है, वीडियो व्यूइंग्स इट्स वेरी नाइस, दैट इज देयर। और हाँ, वर्चुअल रैम भी आती है, 8GB के साथ में 8GB वर्चुअल रैम भी आपको मिलती है। और एक बात, 48 मंथ मतलब 4 साल का उन्होंने फ्लुएंसी सर्टिफिकेट दिया है। मतलब अगर आप फ़ोन अभी लेते हो और 2, 3, 4 साल भी इस्तेमाल करते हो तो भी अभी जैसी फ्लुएंसी आपको मिल रही है वैसी वैसे बेसिकली फ्लूइडिटी जो आप यूज़ कर रहे हो स्वाइप्स टचेस वगैरह सिमिलर रहेंगे, सर्टिफिकेशन है उसके लिए। दोस्तों सेंसर सभी आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क्स वेरी वेल। कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.2 है, NFC नहीं है, आयर ब्लास्टर नहीं है, 9 5G बैंड्स है, सो डुअल 4G वोल्टी Wi-Fi कॉलिंग वगैरह सपोर्ट है। इसमें स्मार्ट 5G का भी सपोर्ट है एंड दोनों ही सिम कार्ड जो है, वैसे मैंने सिम कार्ड्स देखे नहीं दोस्तों, लेट्स शो यू दैट, बट इसमें जो है दोस्तों डुअल नैनो सिम कार्ड्स आप इस्तेमाल कर पाओगे एंड नॉट ओनली दैट दोनों भी जो सिम कार्ड्स हैं दोज आर बेसिकली 5G। सो ऑलराइट लेट्स सी, ओ हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है, डुअल नैनो नहीं, मुझे लगा था डुअल नैनो है। इधर 2 सिम कार्ड्स या फिर एक SD कार्ड और एक सिम कार्ड आप इस्तेमाल कर पाओगे। इसमें ना एक डिस्प्ले पे वाटर रिपेलेंट नहीं कहूँगा, वाटर टच बेसिकली फीचर आता है, तो पानी में भी अगर आप बारिश वगैरह गिर गई, पानी है स्क्रीन के ऊपर, फिर भी इट विल वर्क प्रॉपरली। आपको पता है ड्रॉपलेट गिरने के बाद अगर आप टच करते हो तो कभी कभी काम नहीं करता है, बट इसमें करता है। बट IP54 सर्टिफिकेशन वगैरह इसके बारे में अभी बात नहीं की है, सो वी आर नॉट श्योर। सार वैल्यू विद इन लिमिट्स है दोस्तों। FM रेडियो का सपोर्ट मेरे हिसाब से नहीं है, लेट्स सी, नहीं है FM रेडियो। और एक छोटा सा फीचर है, ये सॉफ्टवेयर में बताना चाहिए था, बट ऊपर डायनेमिक आइलैंड, जैसे आईफोन में डायनेमिक आइलैंड आता है, तो जोमेटो स्विगी पे जब आप ऑर्डर करते हो उधर आपको ऊपर अपडेट्स दिखेंगे, सो या इट इज़ देयर। तो मुझे क्या लगता है नार्जो 70 Pro के बारे में, इनफैक्ट मैं Realme के बारे में कहना चाहूँगा, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ 21, 22 या इवन फर्स्ट हाफ ऑफ 2023, लेकिन अब 2024 Realme कुछ अच्छे फ़ोन्स ला रहा है। फॉर एग्जांपल Realme 12 Plus आप देखोगे, मुझे लगता है अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन था, एंड नार्जो 70 Pro जो है दे आर टेकिंग द राइट स्टेप्स। और 20,000 की प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द ऑल राउंड फोन्स आउट देयर इंक्लूडिंग गुड कैमरा। यही है नार्जो 70 Pro। कैसे लगा आपको जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।